दोस्तों यह है लेजर लाइट। यह कोई नॉर्मल लेजर लाइट नहीं है, यह आम लेजर लाइट से कई गुना अधिक पावरफुल है। इसे बहुत सारे चीज़ों को काटा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इस लेजर लाइट से। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। दोस्तों इस पावरफुल लेजर लाइट को चलाने के लिए हमें एसी एडेप्टर का आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यह एसी एडेप्टर 12 वोल्ट और 2 एम्पियर प्रोड्यूस करता है। तो मैं इसको बोर्ड में लगा दे रहा हूँ और यह कनेक्शन सीधे ही इस किट में आ गया है। यह किट दो भाग में कनेक्शन को बांट दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक कनेक्शन इस फैन के लिए आया है और दूसरा कनेक्शन इस लाइट के लिए आया है। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं यह कैसा ग्लो कर रहा है। दोस्तों इसमें सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर सेफ्टी के लिए चश्मा पहन ले रहा हूँ और साथ ही साथ इसके लाइट के सामने गलती से भी हाथ नहीं आना चाहिए, नहीं तो बुरी तरह से जल सकता है। तो मैं यहाँ पर अब ऑन कर रहा हूँ। वो यहाँ पर देख सकते हैं ग्लो करना स्टार्ट हो गया है और इसमें से स्मोक भी निकलना चालू हो गया है, देख सकते हैं। वाह, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए सबसे पहले इसके सामने इस अगरबत्ती को रखते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं यह नहीं जल रहा है, तो चलिए अब इसके सामने रखते हैं। वो यहाँ पर देख सकते हैं सामने ले जाते ही यह अगरबत्ती जलने लगा और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अगरबत्ती जलने लगा है थोड़े देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। मैं ज़्यादा देर रखा था इसीलिए ताकि लाइट भी दिखाई दे, लाइट रेज। वाओ, इतना मस्त दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस माचिस की तिल्ली को मैं यहां पर रख दे रहा हूं और इसको इस तरह से रख दे रहा हूं। अब इस ग्लास को इस तरह से ढक दे रहा हूं। अब हम लोग को इस माचिस की तिल्ली को जलाना है, तो इसमें ना ही तो हम लोग इसको रगड़ के जला सकते हैं, ना ही अदर सोर्स से इसमें आग लगा सकते हैं। तो चलिए इस लेजर लाइट से देखते हैं इससे यह माचिस का तिल्ली जलता है या नहीं जलता है। तो मैं अब इसको ऑन कर रहा हूँ। वो अब वो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े देर में ही यह जल गया है। इसके लाइट से माचिस का तिल्ली जल गया लेकिन ग्लास को कुछ नहीं हुआ। बिना माचिस की तिल्ली को रगड़े हुए, बाहर से हीट दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ इसके लाइट से हीट मिल गया और फिर यह माचिस का तिल्ली जल गया। तो चलिए अब इस लेजर लाइट से बैलून को फोड़ते हैं और फिर देखते हैं बैलून फूटता है कि नहीं इससे। तो अब मैं इसको अलग रख दे रहा हूँ। तो वहाँ पर है बलून, उसको हम लोग फोड़ने वाले हैं। तो यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले पिंक वाले बलून पर फोकस कर रहा हूँ और देखते हैं इसको क्या होता है। वो ये पिंक वाला बलून तो फूट ही नहीं रहा है। तो चलिए अब येल्लो वाला पर फोकस करके देखते हैं। वो येल्लो वाला के पास जाते जाते फूट गया, ग्रीन वाले के पास। वो ये भी फूट गया, ग्रीन वाला भी फूट गया। चलिए अब रेड वाले को, वो रेड वाला भी फूट गया लेकिन पिंक वाला अभी नहीं फूट रहा है। पिंक वाला पर इतना देर रखने के बाद भी नहीं फूट रहा है। तो दोस्तों अब मेरे पास है ब्लैक प्लास्टिक का सीट। तो चलिए इसके सामने लेजर जलाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, यह मेल्ट करता है कि नहीं मेल्ट करता है, करता है कि नहीं करता है। तो अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये तो लेजर लाइट के पावर से कट के गिर चुका है, देख सकते हैं दोनों आधा आधा भाग में कट चुका है प्लास्टिक का सीट। तो अब मेरे पास है दो कलर का लिक्विड, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। तो चलिए इस पावरफुल लेजर लाइट को ब्लू कलर वाले लिक्विड से पास करा करके देखते हैं
और रेड कलर वाले लिक्विड से भी पास करा करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस ब्लू कलर वाले लिक्विड में पास करा करके देखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर में तो यह आसानी से पास कर जा रहा है और बहुत ही मस्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो चलिए अब रेड कलर वाले लिक्विड में पास करा करके देखते हैं इसमें पास कर रहा है कि नहीं। वो ये तो इतना पावरफुल होने के बाद भी इसका लाइट पास नहीं कर रहा है रेड कलर के लिक्विड में से। वाओ, रेड कलर ब्लू कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और पास करने नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये है ब्लैक कलर का पेपर, तो इस पर लेजर लाइट को फोकस करके देखते हैं यह कितना तेजी से जलता है। वो ये देखिए कितना तेजी से काट दे रहा है, पूरा काट दिया। ये पूरा कट चुका है, देख सकते हैं। इसको मैं फिर से एक बार कुछ अलग डिजाइन में काट करके देखता हूँ। वो स्मोक देख सकते हैं, स्मोक भी आना चालू हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कट के गिर गया ये। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास है टूथपिक्स, तो मैं इसमें से एक निकाल ले रहा हूँ। तो चलिए इसको लेजर लाइट के सामने रखते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, देखते हैं यह जलता है कि नहीं, क्योंकि ये लकड़ी है थोड़ा सा मोटा है। तो मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ और अब इसके सामने रखते हैं। वो ये तो सामने लाते ही जलने लगा, इसमें आग पकड़ लिया है, देख सकते हैं कैसे आग पकड़ लिया। और अब आग पर ही लाइट को ग्लो करा करके देखते हैं, कट गया। तो अब मैं दो टूथपिक्स को लेजर लाइट के सामने रख रहा हूं। दोनों का दोनों कट गया इस लेजर लाइट से। वाह, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अब रात हो चुका है और अब देख सकते हैं लेजर लाइट रात में कैसी दिखाई दे रहा है। वाह, बहुत ही ज्यादा तेज ग्लो कर रहा है, इसमें डस्ट पार्टिकल दिखाई दे रहा है रात में भी। और यह देख सकते हैं कितना मस्त दिखाई दे रहा है रात में। वाह दोस्तों, यह वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।